नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित दीवान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा अभिभावकों से मांगी जा रही एनुअल फीस व बिल्डिंग फीस के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा कर दिया। क्या नाम है आपका, क्या मामला, जो थाना आए हो आप? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है, मेरा बच्चा दीवान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। हमारा बच्चे की अब दो दिन पहले इन्होंने वो रोक दिया एडमिट कार्ड। हमने ट्यूशन फीस दिसंबर तक की जमा कर रखी है, सरकार का भी आदेश है कि ट्यूशन फीस ही दी जाएगी इस बार। ये हमसे बिल्डिंग चार्ज, बिजली का चार्ज, पानी का चार्ज, एनुअल चार्ज मांग रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। दो दिन से वहाँ धक्के खा रहे हैं। अब हमें उन्होंने कॉलेज से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि आप जाइए, नहीं तो हम आप पर मान लाने का मुकदमा दर्ज कर देंगे। और उल्टे सुलटे लेडीज वाले आरोप भी लगाने के लिए प्रिंसिपल साहब ने कहा हमसे कि मैं लेडीज हूँ, मैं इसलिए तुम पे उल्टे आरोप भी लगा दूंगी। तो जैसे कि आपने थाने को सूचना दी है, थाने ने क्या आश्वासन दिया? थाने ने, हम एएसपी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दीजिए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम कानून के अनुसार जो भी गवर्नमेंट का आदेश है उसके हिसाब से पैसे जमा करने को तैयार हैं और कर दिए हमने जो ट्यूशन फीस का आदेश है। लेकिन हमें तब भी इतना परेशान किया जा रहा, हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय। अगर वे बच्चे डिप्रेशन में चले गए तब क्या होगा हमारे बच्चों का? ये कहते हैं कि हमारी फीस तनख्वाह नहीं मिल रही, स्कूल वाले कहते हैं कि आप दे दीजिए ट्यूशन फीस, मगर हमें कानून के हिसाब से लिख के दे दीजिए, हम ट्यूशन फीस ले रहे हैं, आपको नहीं देनी तो हमारे बच्चे एडमिट कार्ड हो गए।